दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी में घूमने वाली 7 सबसे ज़्यादा फेमस जगहों के नामों के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यह पार्क लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बाघ, हाथी, जंगली कुत्ता, हिरन, मगरमच्छ देखने को मिलता है और आप यहाँ सफारी का मज़ा भी ले सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क पलिया से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है शारदा नगर बैराज। यह बैराज लखीमपुर खीरी में शारदा नगर क्षेत्र में स्थित है। यह बैराज काली नदी पर बना हुआ है। शारदा नगर डैम लखीमपुर खीरी का एक सुंदर स्थल है और यह एक जलाशय भी है और यह लखीमपुर खीरी ज़िले का पिकनिक स्पॉट भी माना जाता है। और दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार यह दुधवा नेशनल पार्क का एक भाग है। इस पार्क में आपको बहुत जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को भी मिलती हैं और यहाँ पर आपको सफारी का मज़ा भी मिल सकता है। किशनपुर वन्य जीव लखीमपुर खीरी का एक मुख्य पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है इंदिरा मनोरंजन पार्क। यह जगह पूरी तरह से प्राकृतिक है और यहाँ पर एक सुंदर पार्क भी बना हुआ है। यहाँ आपको चारों तरफ पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। इंदिरा मनोरंजन पार्क लखीमपुर खीरी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह पार्क लखीमपुर खीरी में निघासन रोड पर स्थित है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है घाघरा बैराज। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज लखीमपुर खीरी ज़िले में निघासन तहसील के पास स्थित है। यह एक जलाशय भी है। यह जलाशय घाघरा नदी पर बना हुआ है और यह जलाशय चौधरी चरण सिंह की याद में बनाया गया था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आता है खैरीगढ़। खैरीगढ़ राजमहल सिंगाही। राजा इंद्र विक्रम सिंह के कार्यकाल में इस भवन का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। इस महल को महारानी सूरत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी बनावट और खूबसूरती के लिए ही विख्यात। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। तो हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आता है गोला गोकर्णनाथ मंदिर, जो छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है लखीमपुर खीरी का। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आप इन जगहों में से कहां कहां गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।